सिंगरौली रेत माफिया ने किया फायरिंग, बाल बाल बचे वन विभाग के कर्मी। सोन नदी से अवैध रेत लोड परिवहन करते ट्रैक्टर पकड़ाए। गोपला चौकी के बीसी घाट का है मामला। चितरंगी से श्रीमान सिंह की रिपोर्ट। मैं आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ जानकारियां आ रही हैं कि हमला भी हुआ है और गाड़ियों के ऊपर आपने अभी तक कार्रवाई क्या की? सर उसमें जो हमले हुए हैं उसके थाने में रिपोर्ट की गई है, तो पुलिस विवेचना कर रही है। और जो गाड़ी अवैध रेता सतही मिट्टी से जब्त किए गए हैं उनकी वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कायम किए गए हैं। ये हमलावर कौन थे? हमलावर में थे पतिराज पिता गुलाब बैस साकिन तमई और पवन कुमार पिता शंकर कौर साकिन तमई। ये किनके ऊपर फायरिंग की? अश्विनी सिंह चंदेल। क्या नाम है भाई साहब आपका? अश्विनी कुमार सिंह चंदेल जी। क्या करते हैं? गेट श्रमिक विषय। क्या हुआ है आपके साथ में और कब हुआ, कैसे हुआ? कल 12 बजे रात करीब हम लोग यहाँ से गए, ट्रैक्टर पता चला रुकवाने वहाँ पे, फिर लास्ट में ट्रैक्टर पीछे था, गाड़ी से आए दो आदमी, पहले लाठी लेके उन लोग पीछा के गाली गलौज किए और लाठी फेंक के मारे लगा नहीं, हम लोग बाइक से भोग दिए। इसके बाद और ले आके फायरिंग दो फायर उन लोग गोली चलाए, फिर वहां से भाग के आए साहब अधिकारी के, फिर गाँव में फोन हुआ, गाँव भी गए, फिर उन लोगों को हम लोग ट्रैक्टर उठा के ले आए उसकी कार्रवाई। अच्छा, हमलावरों को आपने पहचाना? जी पहचाने, दो आदमी पहचाने, उसमें दो बाइक थी, तीन आदमी पहचाने, दो आदमी को पहचान लेते। अच्छा, उनको कैसे पहचाने आप? हीरा लाल केवट के घर जब वो आए यहाँ से, तब वो जब अपना बाइक घुमाया तब हम वहाँ से उन लोगों को पहचाना। कौन कौन थे? गुलाब का एक लड़का, गुलाब बैस का पतिराज और एक शंकर कौर का लड़का छोटू। कहाँ पे? तमई के रहने वाले।